आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक ठाकुरद्वारा के गांव पीपली अहिर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 55 किलोमीटर तो ब्लॉक से 17 किलोमीटर है। 1800 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर राजवीर सिंह संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांधा है। जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हुए इन्होंने भी गांव में काफी विकास करवाए हैं। क्या क्या विकास हुआ है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबान। तरह थे जिनमें थे बच्चे कम है, इसमें 5-6 बच्चे कुल रहते हैं जी। वो भी सही है और स्कूलों में काफी काम कराया है। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ इस ग्राम पंचायत में बारात घर, पंचायत भवन, क्या ये बने हुए हैं? नहीं, अस्पताल बना हुआ है, बारात घर नहीं है, पंचायत भवन भी बना हुआ नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र पहले से है, एक है और दो तो काम चल रही है। खेल का मैदान अभी कंप्लीट नहीं है जी। बना हुआ नहीं है, केवल जगह जो है, जगह है मगर खेल का मैदान बना हुआ नहीं है। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से यही मांग है, जो सरकारी बिल्डिंग है इन पर हम काम कराएं जी, जो खेल का मैदान है उसे बनवाओ, कुछ थोड़ी रोड हमारी जो है सीसी होने से रह गई है। कितना मीटर सीसी से पक्का हो जाएगा? उसमें करीब होंगी 1200 मीटर। कितने परिवार यहां ऐसे हैं अभी जिन्हें आवासों की जरूरत है? 20 परिवार हैं अभी। आज जो हमने सूची बना कर दे रखी है 20 परिवारों की। क्या आपके गांव में और कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से ग्राम पंचायत में ध्यान दे? नहीं, पेयजल से संबंधित जैसे है, टंकी लगाने की व्यवस्था है मोदी जी की जी, ओवरहेड टैंक के लिए। हाँ, तो उसमें अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो हम टैंक द्वारा जो 200 मीटर गहराई का पानी आता उसे उसकी व्यवस्था करेंगे। और जो लाइटों की व्यवस्था है उसमें भी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी हम व्यवस्था लाइटों की रात में जो है रोशनी के लिए गाँव में पूरे विकास के तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से हम करना चाहते हैं। इस तरह से कोई काम हो और पानी की व्यवस्था विशेष तौर से जो है जो सरकार का जो एजेंडा है उस पर हम सरकारी ट्यूबवेल टंकी के द्वारा ओवरहेड टैंक के द्वारा आप लोगों को यहाँ पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था करने की हमारी योजना। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 वर्षों में प्रधान द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, लगभग ये गांव पूरी तरह से कीचड़ मुक्त हो चुका है। यहां पर आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, स्कूल पर भी काफी सौंदर्यकरण का काम करवाया गया है। लेकिन इसके अलावा अभी भी यहां 20 परिवार लगभग ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। लगभग 1200 मीटर सीसी के लिए भी प्रधान ने यहाँ मांग रखी है। इसके अलावा जो प्रमुख समस्या यहाँ पर देखने को मिली है और प्रधान द्वारा मांग रखी गई है वो एक बारात घर, पंचायत भवन को लेकर है और ओवरहैंड टैंक के लिए इन्होंने आगे योजना की है कि यदि ओवरहैंड टैंक सरकार यहां निर्माण करवाती है तो यहां लोगों को पीने का शुद्ध पानी मुहैया हो जाएगा। अशरफ अली के साथ में नाजरीन टुडे 24। जी सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, बताइए 4 वर्षों में विकास को लेकर के क्या क्या हो गए? यहाँ पे जो सड़कें खराब से खराब थी वो सब जो ना बन पाई थी अभी तक भी 15 साल में वो प्रधान जी ने बनवाई है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास हुआ है इन 4 वर्षों में, इतना 20 वर्षों में नहीं हो पाया था जितना 4 वर्षों में यहाँ विकास हुआ है। संतुष्ट हो आप विकास? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है सर। क्या नाम है आपका? मेरा हिमांचल सिंह। हिमांचल सिंह, हिमांचल सिंह ये बताइए जी, ये सड़क जो बनाई है प्रधान जी ने, पहले रास्ता कैसा था ये? अरे बहुत गंदा रास्ता था ये, अब बढ़िया बना दिया प्रधान जी ने।